इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब उसी एक मालिक के अल्लाह की मिल्कियत हैं और हम सबको उन्हीं के पास लौट के जाना है। अभी अभी यूसुफ़ ख़ान साहब, दिलीप कुमार मरहूम के इंतकाल की खबर मिली। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी भर की नेकियों को बेहद कबूल फरमाए और जो भी गलतियाँ एक इंसान होने के नाते कभी हो गई हों, अल्लाह ताला उन सब को माफ़ फरमा दे। मुझसे ये भी फरमाइश की गई कि मैं वहाँ हाज़िर हूँ और नमाज़ जनाजा में शरीक हूँ। वाकई मुझे ज़रूर हाज़िर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सूरत हाल यह है कि हमारे यहाँ 3 दिन की वर्कशॉप चल रही है कि और जिसका मौजू ही है कि अपने मुल्क को हर एतबार से कैसे तरक्की दी जाए। तो 10 सूबों से मुख्तलिफ उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स जमा हैं और उनके सेशंस बराबर जारी हैं। अभी अभी मैं उससे उठकर आया हूँ और आते ही जो मैंने मोबाइल खोला तो मुझे एक वॉइस मैसेज के ज़रिए इस हादसे की खबर भी मिली और नमाज़ जनाजा में शिरकत की एक ख्वाहिश या फरमाइश, पुरखलूस फरमाइश भी मिली। मगर चूँकि ये वर्कशॉप चल रही है, मैं नहीं जा निकल पाऊँगा। मेरी सेहत भी अब ऐसी है कि मैं कई घंटे लगातार बैठ नहीं सकता। अभी सुबह 10 बजे से और अभी तकरीबन 2.25 घंटे बैठकर अभी अभी आया हूँ। थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेकर मुझे फिर जाकर इस वर्कशॉप में शरीक होना है और एड्रेस भी करना है। तो इतने मेहमानों की मौजूदगी में और अपनी सेहत की मौजूदा हालत की वजह से अफसोस है कि मैं बम्बई पहुँच कर ये सआदत हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। काश के किसी तरह उनकी फैमिली के तमाम लोगों और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों तक मेरा ये कंडोलेंस मैसेज पहुँच जाए। ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मैं उनसे मिला हूँ। मेरे एक रिश्ते के चचा दिल्ली में रहते हैं, इंतकाल हो गया उनका भी, उनका कुछ ताल्लुक था तो उनके घर पर मेरी एक मुलाकात हुई थी। बहुत ज़माना हुआ, उस वक्त मैं एक स्टूडेंट था इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना सऊदी अरबिया में। बहरहाल अल्लाह करे कि मेरे इस माजरत को कबूल कर लिया जाए और मेरा सलाम और ताज़ियत का पैगाम उनके तमाम चाहने वालों तक पहुँच जाए। दिल और जान से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी रूह को सुकून और खुशियाँ आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।